हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रिसाइकलिंग सेक्टर की कुछ स्टॉक को लेकर बात करेंगे। और रिसाइकलिंग सेक्टर ही क्यों, क्योंकि ये सेक्टर में अभी टेलविंड चल रहा है। और जिस सेक्टर में जब टेलविंड चलता है, उसी सेक्टर का अगर कोई बढ़िया स्टॉक को खरीद लेते हो, उस तरह के स्टॉक से बहुत बढ़िया रिटर्न बन सकते, इवन मल्टी वेगा रिटर्न बन सकता है। इसीलिए मैं आज इस रिसाइकलिंग सेक्टर को सिलेक्ट किया है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है इसी सेक्टर के अंदर है। मुझे लगता है नेक्स्ट 5 to 7 इयर्स तक ये रिसाइकलिंग सेक्टर ग्रो करता ही जाएगा। और आज मैं जिस सारे स्टॉक को लेकर बात करूंगी, ये सारे स्टॉक इसी सेक्टर से आता है और अच्छा वैल्यूएशन के अंदर भी ये स्टॉक अभी मार्केट में मिल रहा है। इवेंट रिसाइकलिंग सेक्टर में कामकाज करता है या रिसाइकलिंग सेक्टर का प्रॉक्सी प्लेयर हो सकता है। अगर रिसाइकलिंग सेक्टर ग्रो करेगा, प्रॉक्सी प्लेयर जो प्रॉक्सी कामकाज कर रहा है, उस प्रॉक्सी कंपनी का भी बिजनेस इंक्रीज हो सकता है। सारे स्टॉक फंडामेंटल वाइज एंड फाइनेंशियल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सिर्फ रिसाइकलिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, मतलब ब्लाइंडली मैं ये सारे स्टॉक को उठा के नहीं लिया। सारे कंपनी का फंडामेंटल अच्छी तरह से देखा, मुझे पसंद है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सारे कंपनी का स्टॉक को शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में इन्वेस्टर को ये सारे कंपनी का स्टॉक मल्टी वेगा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो चलिए जल्दी से सारे कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं, फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं, टेक्निकल के बारे में भी जान लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो विदाउट स्किप वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग जाती तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन अगर आप सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड। इस फील्ड में लीडिंग प्लेयर है वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड। शेयर प्राइस अभी जस्ट 561 रुपीस पे चल रहा है। वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड वेलस्पून ग्रुप की कंपनी है, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप से आता है, जो कि $2.7 बिलियन ग्रुप है। और इस ग्रुप का ही कंपनी है वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड। कंपनी स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में कामकाज कर रहा है और साथ में इन्वेस्टमेंट करके रखा है ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। स्पेशली WEL माने वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है WEL, स्पेशली फोकस करता है रोड एंड वाटर सेक्टर को। और वाटर रिसाइकलिंग, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर मैनेजमेंट, यह पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। अभी वाटर सेक्टर ग्रो कर रहा है और इसी फील्ड का वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड कामकाज कर रहा है। मतलब वाटर सेक्टर का प्रॉक्सी प्लेयर हो सकता है वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड। और वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड ईपीसी सर्विस देता है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है कंपनी का, लीडिंग प्लेयर है। चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। देखिए, जस्ट 7700 करोड़ का कंपनी है, 10000 करोड़ का भी कंपनी नहीं है। इधर से मार्केट साइज 10000-15000 करोड़ जा सकता है। स्टॉक का पी 23 के मल्टीप्लाई पे अभी चल रहा है। कितना सस्ता वैल्यूएशन पे चल रहा है देखिए, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री चल रहा है 25 पे और कंपनी का पी कितना 23। अगर इधर से पी 30 पे भी चला जाता है तब भी वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रहेगा वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 333 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करो 21.8 चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ईपीएस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। डेट की बात करो 762 करोड़ का डेट इधर में दिखा रहा है, बहुत ही लोडेड कंपनी है। दोस्तों, बैलेंस शीट में 700 करोड़ से ज्यादा का डेट है, फिर भी लोडेड कंपनी क्यों? क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से काफी नीचे चल रहा है, इसीलिए लोडेड कंपनी कंसिडर किया जाएगा इसको। प्रोमोटर के पास 54% से भी ज्यादा का शेयर है और बड़े इन्वेस्टर वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड के ऊपर काफी पॉजिटिव है। देखिए, प्रोमोटर तो कंटिन्यूअसली 50% से ऊपर का शेयर होल्ड कर रहा है, कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। एफआईआई देख सकते हैं, लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। इस क्वार्टर में भी स्टेक को इंक्रीज किया पिछले क्वार्टर के मुकाबले। एंड डीआईआई देख सकते हैं, डीआईआई 1.77 स्टेक होल्ड करके रखा है। पब्लिक के पास 37% स्टेक है, मतलब प्रोमोटर, एफआईआई और डीआईआई तीनों के मिला के देखा जाए तो वेलस्पून एंटरप्राइज लिमिटेड में बड़े इन्वेस्टर सबसे ज्यादा स्टेक होल्ड करके रखा है। एंड किसी के पास एक भी शेयर कंपनी ने प्लेस्ड करके नहीं रखा है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 82.6% और पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 42%, मतलब रिटर्न बहुत जबरदस्त मिल रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और सेक्टर ग्रो कर रहा है, फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है, इसलिए मुझे लगता है आगे ये रिटर्न कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है परसेंटेज वाइज,
अदरवाइज रिटर्न तो बहुत बढ़िया मिलेगा आगे भी। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 25% से ग्रो कर रहा है एवरेज अगर निकालूं तो इंस्पॉन एंटरप्राइज लिमिटेड का बिजनेस। बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी है कंपनी का, फंडामेंटल वाइज चाहे वो फाइनेंशियल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है वेल्सपॉन एंटरप्राइज लिमिटेड, और सेक्टोरल तो ग्रोथ मिल ही रहा है कंपनी को। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल कितना फैंटास्टिक, देखिए स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर ही जा रहा है और वॉल्यूम के साथ इधर में स्टॉक ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो कर रहा है। टेक्निकल जिस तरह का है करेंट मार्केट प्राइस पे बाय करके छोड़ देना है स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई कर रहा है, पॉजिटिवनेस बना हुआ है टेक्निकल में, इसीलिए करेंट मार्केट प्राइस पे बाय करके छोड़ देना है लॉन्ग टर्म के लिए वेल्सपॉन एंटरप्राइज लिमिटेड को। बट नीचे अगर आता है किस प्राइस पे एवरेज करना चाहिए स्टॉक को, देखिए दोस्तों करेंट मार्केट प्राइस से अगर स्टॉक इस प्राइस पे आता है मतलब 12 की या 13% डिस्काउंट पे मिल जाता है तो एवरेज आउट किया जा सकता है। ये जो प्राइस है मतलब 499 या 500 के आसपास अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो एवरेज आउट किया जा सकता है इस प्राइस पे, अदरवाइज करेंट मार्केट प्राइस पे ही स्टॉक को खरीदा जा सकता है, ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है पोंडे ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड, 1474 रुपीस पे चल रहा है पोंडे ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड। ये भी अपने इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है, 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था पोंडे ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर कंपनी है। एक्चुअली कंपनी लीड जनरेट की कामकाज कर रही है, कंपनी लीड मेटल अलॉयज नॉन फेरस मेटल मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है पोंडे ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड। कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, खास करके पोंडे ऑक्साइड लिमिटेड का प्रोडक्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल्स एज ए रॉ मटेरियल्स यूज होता है कंपनी का प्रोडक्ट पोंडे ऑक्साइड लिमिटेड का। ये सेक्टर ग्रो कर रहा है क्योंकि अभी पावर सेक्टर ग्रो कर रहा है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में भी बैटरी लगता है, इन्वर्टर यूज किया जाता है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें भी बैटरी की काम आता है, मतलब पोंडे ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड ये सारे सेक्टर का प्रॉक्सी प्लेयर बन सकता है, रिसाइकलिंग रिलेटेड ही कामकाज कर रहा है पोंडे ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड। क्योंकि ये जो लीड मेटल आप देख रहे हैं ना और फेरस मेटल ये रिसाइकलिंग से बनाया जाता है पोंडे ऑक्साइड लिमिटेड का। इधर में साफ साफ लिखा है, देखिए मेनली यूज्ड मेकिंग लीड एसिड बैटरी, साफ साफ इधर में लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली साउंड कंपनी। चलिए एक बार फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट 1800 करोड़ का कंपनी है, 2000 करोड़ का भी कंपनी नहीं है, इधर से 10000 करोड़ अगर चला जाता है मार्केट साइज तो इन्वेस्टर का फंड 5 गुना इंक्रीज होगा। 1,00,000 रुपया अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन फ्यूचर में 5,00,000 रुपया बन सकता है, 1,00,000 रुपया 5,00,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई 10,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 50,00,000 रुपया बन सकता है पोंडे ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड। सेक्टर ग्रो कर रहा है, कंपनी भी ग्रो कर रहा है, 39 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे। इस साल कंपनी ने 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, इस कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल कंपनी है। ईपीएस की बात करो 39 चल रहा है, कितना बढ़िया ईपीएस मेंटेन हो रही है देखें, और ईपीएस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है क्योंकि प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए डेट 94 करोड़ का डेट है, बहुत ही लो डेट कंपनी है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.27 चल रहा है, मतलब 1 से काफी नीचे है। इसीलिए प्रोमोटर के पास 43% से ज्यादा का शेयर है और बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। देखिए एफआईआईज भी 0.53% स्टेक होल्ड करके रखा है, डीआईआई के पास भी 0.14% स्टेक है, डीआईआई फर्स्ट टाइम पोंडे ऑक्साइड लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, देखिए पिछले क्वार्टर में कुछ भी शेयर होल्ड नहीं करता था, एंड एफआईआई ने भी स्टेक इंक्रीज किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पब्लिक के पास 55% स्टेक है, बड़े इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, सब सब क्लियर हो जाता है। इन फ्यूचर मुझे लगता है पोंडे ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड में एफआईआई डीआईआई का स्टेक और भी इंक्रीज होते हुए दिखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी का पास डेटा ये कह रहा है, एंड किसी के पास एक भी शेयर कंपनी ने प्लेज्ड करके भी नहीं रखा है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न देख सकते हैं 94.5%, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न मोर देन 80%, रिटर्न बढ़िया मिल रहा है। देखिए पिछले एवरी ईयर इन्वेस्टर का फंड डबल हो रहा है, साफ साफ इधर में रिटर्न हिस्ट्री देख के पता लग जाता है, और कंटिन्यूअसली इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है ये रिटर्न कंटिन्यूअसली मिलता ही जाएगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोनों डबल डिजिट पे है, प्रॉफिट ग्रोथ तो कमाली हो गया, 53% से ऊपर चला गया, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है पोंडे ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड का बिजनेस, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल कितना फैंटास्टिक, देखिए कंटिन्यूअसली स्टॉक का ट्रेंड जो है वो ऊपर ही जा रहा है, 5-6 महीनों से स्टॉक का ट्रेंड ऊपर ही बना हुआ है, वॉल्यूम कितना अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, मतलब वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया है।
करेंट मार्केट प्राइस पे बाई करके छोड़ देना है, क्योंकि स्टॉक हायर हाई कर रहा है, एकदम टॉप पे बैठा है, प्राइस के अंदर तेजी बना हुआ है, इसीलिए करेंट मार्केट प्राइस पे बाई करके छोड़ देना है। अगर स्टॉक बाय चांस नीचे आ जाता है, स्टॉक अगर करेंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 23-30% नीचे आ जाता है तो एवरेज भी किया जा सकता है। प्राइस में आप लोगों को बता देता हूं किस प्राइस पे एवरेज आउट किया जा सकता है। देखिए स्टॉक अगर 1228 या 30 के लेवल पे मिल जाता है तो डेफिनेटली एवरेज किया जा सकता है स्टॉक पे। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है, टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की नाम बताऊं, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये दो फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके फायदा आपको मिल जाएगा, साथ साथ और एक फायदा मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट गाइड भी मिल जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस भी आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड अगर आप कंटिन्यूअसली मार्केट अपडेट पाना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं, कौन से सेक्टर ग्रो कर सकते हैं आगे, जिस सेक्टर में अच्छा पैसा बनेगा इन फ्यूचर, ये अपडेट अगर आप फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनी ईएमएस लिमिटेड, बहुत बढ़िया कंपनी है ईएमएस लिमिटेड, अपने इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है ईएमएस लिमिटेड एंड लार्जेस्ट प्लेयर है। 865 रुपीज पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है, इससे पहले भी मैं इसके ऊपर काफी वीडियो बनाया है। जब शेयर प्राइस 500 के आसपास चलता था तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ ईएमएस लिमिटेड के ऊपर, और आज तो शेयर प्राइस 800 क्रॉस कर चुका है, अभी भी बहुत ग्रोथ बाकी है। बहुत ही जल्द मुझे लगता है इसका शेयर प्राइस 1000 तक टच कर सकता है। ठीक है, ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम काज करता है। स्पेशली कंपनी वाटर सेक्टर के लिए काम काज करता है। देखिए इंस्टॉलेशन वाटर एंड वेस्ट वाटर डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ईएमएस लिमिटेड। और वाटर सेक्टर में जो कि पहली बोला कि ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट का फोकस वाटर सेगमेंट में है, वाटर सेक्टर नेक्स्ट 10 इयर्स तक ग्रो करता ही जाएगा और इसका पूरा पूरा फायदा ईएमएस को मिल सकता है, ईएमएस के शेयर होल्डर को मिल सकता है। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है ईएमएस लिमिटेड का। चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट 4800 करोड़ का कंपनी है, ठीक है, 5000 करोड़ का भी कंपनी नहीं है, इन फ्यूचर 30,000 करोड़ जा सकते हैं मार्केट साइज। स्टॉक का पी 28 पे है और इंडस्ट्री पी कितना 45, मतलब अगर इधर से पी इन फ्यूचर आपको 50 पे भी मिल जाता है ईएमएस लिमिटेड तब भी वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रहेगा, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री चल रहा है 45 पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 20% से ऊपर चल रहा है। इस साल कंपनी ने 167 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करूं तो 30 के ईपीएस पे चल रहा है, ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, डेट कुछ है नहीं, 70 करोड़ का डेट बैलेंस शीट में दिखा रहा है, फिर भी जीरो नेट कंपनी बन जाता है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है। प्रोमोटर के पास 69% से ज्यादा का शेयर है, बड़े इन्वेस्टर स्टॉक होल्ड करके रखा है। देखिए एफआईआई भी 0.88% स्टेक होल्ड करके रखा है, डीआईआई भी 1.58% स्टेक होल्ड करके रखा है, पब्लिक के पास 27% स्टेक है, मतलब मैक्सिमम शेयर ही प्रोमोटर के हाथ में है। ठीक है, ज्यादातर शेयर प्रोमोटर ही होल्ड करके रखकर प्रोमोटर माल नहीं सेल कर रहा है, ये बड़ी बात है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट। एंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 30% के आसपास चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है ईएमएस लिमिटेड का बिजनेस। फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है, आगे बहुत ग्रो कर सकता है कंपनी का बिजनेस। चलिए टेक्निकल के बारे में बात कर ले। टेक्निकल देखिए, स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, स्टॉक हायर हाई कर रहा है, करेंट मार्केट प्राइस पे बाय करके छोड़ देना है क्योंकि स्टॉक के अंदर तेजी बना हुआ है। स्टॉक छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, स्टॉक का ट्रेंड जिस तरह से लग रहा है देखिए अब भी समझ सकते होंगे कि कंपनी का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा है। देखिए अगर आपको स्टॉक बाय चांस एवरेज आउट करने के लिए इस लेवल पे मिल जाता है, मतलब 700 के आसपास मिल जाता है या 720 या 730 के आसपास मिल जाता है तो डेफिनेटली एवरेज आउट भी करके चल सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल मुझे ईएमएस लिमिटेड का लग रहा है। दोस्तों ये था तीनों स्टॉक रिसाइक्लिंग सेक्टर से जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ओन कर रहा है। सारे कंपनी का फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, बट ये किसी तरह की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है,
मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को शेयर किया है। किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर ले जो सेबी रजिस्टर्ड है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके ये फायदा आपको मिलेगा, साथ साथ और एक फायदा मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट गाइड भी मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।